आजकल मार्केट में इतने सारे लोन ऐप्स आ चुके हैं कि कौन सा लोन ऐप सही है और कौन सा गलत है ये पहचानना बहुत ही मुश्किल है। आज भी आप देखेंगे तो इवन प्ले स्टोर पे 100 से भी ज्यादा चाइनीज लोन ऐप्स अवेलेबल हैं। मतलब ये कि वो चाइना की कंपनी जो है वो यहाँ पे अपना लोन ऐप चला रही है, हालांकि जो उनको चलाया जा रहा है वो इंडियन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, बट असल में उनको कंट्रोल जो किया जा रहा है वो चाइना से किया जा रहा है और इस झांसे में आके हजारों लोग यहां पे अपना पैसा गंवा बैठते हैं, अपना चैन और सुकून गंवा बैठते हैं, कई बार उनके साथ धोखा हो जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी लोन ऐप से, स्पेशली अगर हम बात करें तो इंस्टेंट लोन लेते टाइम हमेशा ही आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कभी भी कोई भी लोन ऐप यूज करने से पहले आप डेफिनेटली कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहला तो ये कि जिस लोन ऐप को आप यूज करने जा रहे हैं वो RBI रजिस्टर्ड है या नहीं है। भाई इंडिया का जो कंट्रोलिंग जो बॉडी है, यहाँ पे जो फाइनेंस को कंट्रोल करती है, जो यहाँ पे NBFC को कंट्रोल करती है, बैंक्स को कंट्रोल करती है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके थ्रू यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको दिया गया है या नहीं दिया गया है उस ऐप को, ये डेफिनेटली आपको पता कर लेना है। उसके बाद से नेक्स्ट जो चीज आता है सबसे जरूरी, वो है कि भाई कितने तरह के चार्जेज वो लोन ऐप आपसे लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिडन चार्जेज वहां पे आपसे वसूल किया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, या एक बार लोन लेने के बाद से आपके ऊपर कई तरह का चार्ज यहां पे लगा दिया जाएगा और मजबूरी में आपको वो चार्जेज पे करने पड़ जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि भाई कितने सिविल स्कोर पे आपको वो लोन मिल रहा है। क्या आपका अगर बिल्कुल भी सिविल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने सिविल स्कोर पे कितना तक का लोन आपको मिल सकता है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली पता करना चाहिए। उस पर्टिकुलर लोन ऐप से लोन लेने के लिए जो मिनिमम, जी हां, कम से कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है, कौन से वो लोग हैं जो वहां से लोन ले सकते हैं, इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे देने पड़ सकते हैं, क्या यहां से लोन लेने के लिए केवल आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं या ऑफलाइन भी कहीं आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। कम से कम आपको डॉक्यूमेंट्स में लोन मिले वहीं से आपको लोन लेना है, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिले, कम से कम सिविल स्कोर पे आपको लोन मिलना चाहिए, साथ ही साथ जो आपका डेटा है वहां पे सेफ रहे, ऐसे जगह से ही आपको इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई करना है और वो भी आपको इमरजेंसी में ही अप्लाई करना है जब आपको एक्चुअल में पैसे की जरूरत हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्रेडिट बी लोन ऐप की पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं और ये डिटेल एक्चुअल में पूरी ईमानदारी के साथ हमने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया है और केवल आपको यहाँ पे हवा हवाई जानकारी हम नहीं देने वाले हैं बल्कि पूरी प्रूफ के साथ आज हम आपको ये इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद इस लोन ऐप को यूज किया है, यहां से लोन अप्रूव कराया है, मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराया है उस बेस पे जो भी इसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जी हाँ, जो क्रेडिट बी ने अपने वेबसाइट पे दे रखा है, ऐप पे दे रखा है, वो इंफॉर्मेशन तो हम आपको यहां पे देंगे ही, साथ ही साथ पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो पर्सनली मुझे जितने तरह के चार्जेस यहां पे करने पड़ रहे हैं, जिस तरह का लोन मुझे अप्रूव किया जा रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे देने वाला हूं, पूरी की पूरी डिटेल यहां पे देने वाला हूं। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और हां, स्पेशली जिसके चार्जेज होने वाले हैं ना उसको थोड़ा आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। मेरे जो भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू इस वीडियो से मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस काफी रिसर्च करने के बाद से आपके लिए लेके आते रहते हैं। चलिए बात करते हैं क्रेडिट बी पर्सनल लोन की, सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स की। तो यहां पे देखिए क्रेडिट बी की बेसिक डिटेल्स को जानने से पहले सबसे पहले इसका जो एक्चुअल रिव्यू है वो मैं आपको बता दूं कि यहां पे प्ले स्टोर पे क्रेडिट बी लोन ऐप को 4.6 की रेटिंग्स मिली हुई है, साथ ही साथ इस ऐप को 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। जी हां, इतना टाइम इस लोन ऐप को डाउनलोड किया गया, तो मेरे हिसाब से जो इसकी रेटिंग्स है वो यहां पे जो जनरली लोन ऐप्स हैं इसके कैटेगरी में जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जो NBFCs हैं उनके मुकाबले इसका जो रेटिंग है वो बेहतर है, साथ ही साथ इसका कस्टमर बेस है वो भी यहां पे काफी बड़ा है।
अगर इसके बेसिक कुछ लोन डिटेल्स की बात करें तो यहां से आप मिनिमम 1000 से लेके, जी हाँ बहुत कम अमाउंट है 1000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख यानी 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। पिछले 1-2 सालों में जो हमने क्रेडिट पे एप्लीकेशन को यूज किया और जो हमने ऑब्जर्व किया, तो स्पेशली हमें यहाँ पे कौन सी ऐसी बातें अच्छी लगी, इसके कौन से फीचर्स हमें सबसे अच्छे लगे उनके बारे में मैं आपको बता दूं, तो सबसे अच्छा इसका जो फीचर है, सबसे पहली तो बात ये कि ये लोन ऐप एक RBI रजिस्टर्ड लोन ऐप है, RBI के गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो इस तरीके से ये एक सेफ लोन ऐप है। नेक्स्ट ये कि यहां से लोन लेने पे जो आपका लोन का अप्रूवल है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्विक होता है, और लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट ये कि यहां पे 24/7 लोन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जी हाँ, कई सारे लोन ऐप्स आपने देखे होंगे कि सपोज दैट अगर आप किसी हॉलीडे में छुट्टी के दिन पे अगर आप अप्लाई करते हैं या इवनिंग में अप्लाई करते हैं तो सेम डे आपका डिस्बर्सल उस दिन आपका नहीं किया जाता है, आपका अगले दिन के लिए यहां पे टाल दिया जाता है उस काम को, या जब आपका हॉलीडे नहीं होता है वर्किंग आवर में आपको लोन दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया, ये देखा है कि अगर रात को आप 12 बजे, जी हाँ 12 बजे अगर आप लोन लेने की कोशिश करते हैं तो आपका प्रोसेस जैसे ही यहां पे कंप्लीट होता है, क्रेडिट भी तो बोल रहा है 5 से 10 मिनट, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2 मिनट भी नहीं लगेगा और लोन का जो अमाउंट है, लोन का जो पैसा है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्रेडिट भी लोन ऐप का एक और बेस्ट फीचर जो पर्सनली मैंने यहां पे ऑब्जर्व किया, इसका KYC डॉक्यूमेंट्स। आपको यहां से लोन लेने के लिए अपने केवल और केवल KYC डॉक्यूमेंट्स को देना है, बशर्ते आपके KYC डॉक्यूमेंट्स पे जो लोन यहां पे अप्रूव होता है वो थोड़ा सा कम होता है, बट लोन आपको आपके KYC डॉक्यूमेंट्स पे डेफिनेटली मिल जाता है। नेक्स्ट इसका एक बड़ा बेनिफिट जो आपको भी डेफिनेटली, कई लोग इस को देख के डर जाते हैं, वो ये है कि आपको ऑटो डेबिट यहां पे सेट नहीं करना होता है। जी हाँ, कई बार ऑटो डेबिट से जनरली आप घबरा जाते हैं कि भाई लोन अभी मिला नहीं, कैसा ऐप है, यहां अगर हमने ऑटो डेबिट सेट कर दिया हो सकता है कि हमारे अकाउंट से ज्यादा पैसे कट जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना ऑटो डेबिट सेट किए भी यहां से आपको लोन मिल जाता है, और उस लोन का रिपेमेंट आखिर आप कैसे करेंगे, ये अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, तो यहां आपको लोन रिपेमेंट करने का ऑप्शन UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप अपने लोन का जो EMI है उसको पे यहां पे कर सकते हैं। ऑटो डेबिट आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ यहां से अगर आपका सिविल स्कोर बहुत कम है फिर भी आप लोन ले सकते हैं, आपका लोन अप्रूव हो जाता है। और जिन लोगों को मिला है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि दूसरों को भी पता चले कि हाँ ये बातें ऐसे ही नहीं हो रही है, बट क्रेडिट भी लोन ऐप एक्चुअल में आपको लोन प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोन ऐप्स ऐसे होते हैं जो कई तरह के अननेसेसरी हिडन चार्जेस आपके ऊपर इंपोज कर देते हैं। जब आप फाइनली लोन आपका जब अप्रूव हो जाता है, आप वहां पे चार्जेस डिटेल्स में देखते हैं तो मल्टीपल टाइप्स के, कई तरह के जो चार्ज की, जिस चार्ज की कोई जरूरत नहीं है वो चार्ज भी वहां पे ऐड कर दिया जाता है, और आपके लोन अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा पहले ही आपके लोन से वहां पे डिडक्ट कर लिया जाता है, फिर बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन क्रेडिट पे के साथ ऐसा नहीं है, मिनिमल से कुछ चार्जेज प्रोसेसिंग फी के अलावा, जैसे कि GST हो गया यहां पे, और कुछ और चार्जेज यहां पे मिनिमल से आपको चार्जेज पे करने पड़ते हैं, तो अननेसेसरी कोई चार्ज या हिडन चार्ज आपको यहां पे नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा एक और अच्छी बात जो मुझे पर्सनली यहां पे लगी कि क्रेडिट भी आपको 3 डेज का कूलिंग ऑफ पीरियड देता है। अब ये कूलिंग ऑफ जो पीरियड होता है ये क्या होता है, तो सपोज दैट आपने यहां पे लोन क्रेडिट बी से ले लिया, क्रेडिट बी ने लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया प्रोसेसिंग फी या जो भी चीजें हैं डिडक्ट करने के बाद से, लेकिन आपने 3 डेज तक, सपोज दैट 3 डेज तक आपने उस पैसे को यूज किया नहीं किया, इससे क्रेडिट बी को मतलब नहीं है, लेकिन अगर 3 डेज के अंदर आप उस पैसे को, क्रेडिट बी को रिटर्न करना चाहते हैं, अपने लोन अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, तो आपसे क्रेडिट बी यहां पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता, केवल और केवल एक मिनिमल सा प्रोसेसिंग फी आपको यहां पे देना पड़ता है। जैसे प्रूफ के तौर पे आप देख सकते हैं कि 11,000 का लोन यहां पे क्रेडिट बी से मैंने अप्लाई किया, मुझे यहां पे 9,994 रुपीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। अब यहां पे मैंने 3 डेज के अंदर ही जब उस पैसे को रिटर्न करना चाहा तो यहां पे मुझे केवल और केवल 10,283 रुपीज, जी हां, यानी यहां पे मुझे लगभग 289 रुपीज केवल एक्स्ट्रा यहां पे करने पड़ रहे हैं। यानी 3 डेज के अंदर आप सपोज दैट अगर आप चाहते हैं आपका कहीं दूसरी जगह से अरेंज हो जाता है पैसा, अगर आप ज्यादा चार्ज यहां पे नहीं देना चाहते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने लोन के अकाउंट को फोरक्लोजर कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। कहीं से भी आप इंस्टेंट लोन अगर लेते हैं
तो आपको डेफिनेटली ये भी पता होना चाहिए कि उस लोन ऐप का, उस पर्टिकुलर एनबीएफसी कंपनी का कस्टमर सर्विस कैसा है। अगर आपको अचानक से जरूरत पड़ जाती है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने की, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन इमीडिएटली वहां पर किया जाता है, नहीं किया जाता है। मैं आपको बता दूं, क्रेडिट भी कॉलिंग की भी फैसिलिटी आपको देता है, साथ ही साथ ईमेल की भी फैसिलिटी आपको यहां पे दी जाती है। तो यहां पे वर्किंग आवर्स, चूंकि ओनली दिन में आपको फैसिलिटी अवेलेबल होती है कॉलिंग की, कॉल के थ्रू आप यहां पे कर सकते हैं, यहां पे कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी प्रॉब्लम है आपका सॉल्व हो जाता है। अगर वर्किंग आवर नहीं है तो आप ईमेल सेंड कर देते हैं, आपको विद इन 24 आवर्स या विद इन 48 आवर्स मैक्सिमम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पे कर दिया जाता है। चलिए आप देखते हैं कि यहां पे आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से वो लोग हैं जिनको ये लोन मिल सकता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात ये है कि इंडियन सिटीजन आपको होना चाहिए इस लोन को लेने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस लोन आपका यहां पे अलग से आपके लिए अवेलेबल होता है, आप सैलरीड पर्सन हो वो लोन आपको अवेलेबल होता है, स्टूडेंट और अगर हाउस वाइफ भी आप है ना, तो देखिए ये मना नहीं करेगा आपको। जी हां, बशर्ते आपका इनकम प्रूफ नहीं लेता है। अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट हुआ है तो आपका इनकम प्रूफ यहां पे नहीं मांगेगा, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है तो आपका इनकम प्रूफ यहां पे मांगेगा, उस बेस पे आपको स्टार्टिंग में कम अमाउंट लोन यहां पे अप्रूव करके दे देगा। जब वो अमाउंट एक बार आप पे कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोन के लिए जाते हैं तो वहां पे आपका जो अमाउंट है वो बढ़ा हुआ आपको दिखाई देता है, नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा लोन का लिमिट यहां पे मिल जाता है। इसके अलावा जो आपका एज होने वाला है मिनिमम 21 इयर्स और मैक्सिमम आपका 58 इयर्स यहां पे होता है, क्योंकि क्रेडिट भी ने 60 इयर्स अपने वेबसाइट पे यहां पे डाल रखा है। क्रेडिट भी पर्सनल लोन लेने के लिए आपका मिनिमम इनकम महीने का कम से कम 10,000 रुपए होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई पर्सन हो जिसका कम से कम 10,000 महीने का इनकम ना हो। अगर आपकी पूरी फैमिली का भी इनकम या आपके अकाउंट में महीने का लगभग 8 से 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है, मतलब आपको ये लोन मिल सकता है बिना कोई इनकम प्रूफ दिए भी। चलिए अब क्रेडिट भी पर्सनल लोन की यहां पे हम कुछ स्पेसिफिक जो इसके चार्जेज हैं उनको एक बार यहां पे जान लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम आ चुके हैं यहां इसके एप्लीकेशन के अंदर। एक ऊपर दिखाई दे रहा है आपका यहां पे गेट नाउ का ये बटन 11,000 का है, इसको हम एक बार चेक करते हैं। 11,000 का जो लोन है वो लोन मेरा यहां पे अप्रूव हो चुका है। और देखिए यहां पे 7,000 से लेके, जी हां 7,000 से लेके यहां पे आपका 11,000 का जो लोन है, कोई भी लोन का अमाउंट यहां पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो देखिए हमने टोटल का टोटल यहां पे एक बार सेलेक्ट कर लिया, और जो इसके चार्जेज हैं, जो इसका समरी है उसको एक बार हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो 11,000 का, जी हां 11,000 का जो लोन हम यहां पे लेने वाले हैं, तो उसको अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे सबसे पहले तो आप देखेंगे टोटल इंटरेस्ट मुझे 5 मंथ में पे करना पड़ रहा है 838 रुपीज। उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है 29.95% पर एनम लग रहा है। मैं आपको बता दूं मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट क्रेडिट भी का आपका लगने वाला है वो आपका 18%, जी हां 18% से लेके आपका 30% के आसपास, जी हां इसके बीच में ही आपका इंटरेस्ट रेट यहां पे लगने वाला है। साथ ही साथ अगर टोटल इसका एपीआर की हम बात करें तो 67.53%, सारे चार्जेज वगैरह सारे के सारे लेके उस परसेंटेज की यहां पे बात की जा रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम का देखिए यहां पे ऐड कर लिया गया है 129 रुपीस, ये हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, नीचे यहां पे देखिए इसको हम क्या कर देंगे 129 रुपीस को इसको हम एक बार यहां पे क्लिक करके एक बार अनचेक कर देंगे। नीचे एक और क्रेडिट रिपोर्ट की यहां पे ली जा रही है 50 रुपीस, उसको भी हम एक बार अनचेक कर देंगे। अब देखिए ये सारे के सारे हमने यहां पे अनचेक कर दिया है। After that प्रोसेसिंग फी की बात करें तो देखिए यहां पे 836 रुपीज यहां पे ली जा रही है प्रोसेसिंग फी, इसके लिए जीएसटी उस पर लग रहा है 150 रुपीज का, एंड लोन डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस यहां पे आपका लग रहा है 20 रुपीज का। बस यही चार्ज आपको यहां पे देने पड़ते हैं, हालांकि जो इंटरेस्ट रेट है मैं आपको बता दूं वो काफी हाई है। क्रेडिट भी पर्सनल लोन की कुछ स्पेसिफिक अगर चार्जेस की हम बात करें तो यहां पे देखिए आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो जा रही है तो देखिए यहां पे 4% का, जी हां 4% जो भी आपकी ईएमआई ड्यू होती है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका 4% या 500 रुपीस, उन दोनों में से जो भी कम होगा ये अमाउंट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा 2 डेज से लेके 180 डेज तक, यानी 6 मंथ तक आपका जो यहां पे ईएमआई जो भी बाउंस होती है, जब तक आप उसको पे नहीं करते हैं, आपको 36% पर एनम तक अपने ओवरड्यू अमाउंट के ऊपर यहां पे पेनल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। आफ्टर दैट देखिए अगर आप अपने अकाउंट को लोन को यहां पे फॉरक्लोजर कराना चाहते हैं
तो एक लॉकिंग पीरियड होता है। जी हाँ, वो डिपेंड करता है कि कितने दिन का आप यहाँ पे लोन ले रहे हैं। जैसे कि 5-6 ईएमआई भरने के बाद से आप अपने अकाउंट को यहाँ पे फोरक्लोज करा सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग बचा रहता है, जो आप एक बार में ही वहाँ पे पे करना चाह रहे हैं, उसका 2% का, जी हाँ, उसका 2% का चार्ज आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है। क्रेडिट भी पर्सनल लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही ईजी है। पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन है और डिजिटल है, और विद इन 5 मिनट आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपका केवल यहां पे केवाईसी होता है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप अपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को अगर वेरीफाई करते हैं, जी हां, अगर आप अपना यहां पे सैलरी प्रूफ अगर देते हैं, यहां पे अगर आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं या उसको वेरीफाई करते हैं बैंक को ऑनलाइन ओटीपी के थ्रू यहां पे, तो आपका जो लिमिट है वो लिमिट आपका काफी बढ़ जाएगा और लाखों तक का लोन आप यहां से ले सकते हैं। तो आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।